नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे लोकस स्वैम्स अटैक के बारे में। देखिए, इनको हिंदी में कहा जाता है टिड्डा। जो भारत में जो है इन टिड्डों ने आक्रमण किया है, तो इस तरह के टिड्डे आपने देखे होंगे। अच्छा, ये करते क्या है? देखिए, जितने भी खाद्यान्न हैं, खाने की चीज़ें हैं, फसलें हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जो भी हरी चीज़ें जो खाई जा सकती है, उसको ये चट कर जाते हैं, खा जाते हैं। इसकी वजह से देश में खाने की चीज़ों की कमी हो जाती है और उस वजह से देश में जो है फूड सिक्योरिटी का खतरा पैदा हो जाता है। फूड सिक्योरिटी का मतलब है हम सभी लोगों तक जो है खाने की सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं। कोरोना की वजह से देश जो है, देश की इकोनॉमी वैसे ही जूझ रही है और कोरोना की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। और इसके साथ साथ यदि देश में फूड सिक्योरिटी का खतरा पैदा होता है, तो भारत के लिए बहुत ये बुरी बात है। और इतना बड़ा जो विशाल अटैक है, वो भारत ने जो है 27 सालों के बाद देखा है। देखिए, टिड्डे जो है आमतौर पर भारत में अटैक करते रहते हैं छिटपुट मात्रा में, लेकिन इस बार जो है करीब 27 सालों के बाद बहुत वो अटैक देखा गया है। इसे कंट्रोल करने के लिए एक लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको डिस्कशन पसंद आए तो हमारे चैनल स्टडी बडीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसका लोकस्ट और लोकस्ट स्वाम्प, सबसे पहले ये जानते हैं कि लोकस्ट होते क्या हैं। लोकस्ट को हिंदी में कहा जाता है टिड्डा। ये मेनली ट्रॉपिकल ग्रास ओपर्स होते हैं। ये देखिए, इस तरह के ग्रास ओपर्स होते हैं जो कि ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं। ये कैसे इंसेक्ट्स हैं जो कि फसलों को खाते हैं, ठीक है। इनके पंख जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसी वजह से ये लंबी दूरी की यात्राएं कर पाते हैं। एक बार ये जान लेते हैं कि ट्रॉपिकल एरियाज कौन कौन से होते हैं, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 23.5 डिग्री जो नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो ये पूरा जो एरिया है, ये जो है ये ट्रॉपिक्स कहलाता है। यहाँ पे सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से यहाँ पर रेन बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और यही वो कारण है जहाँ पर इन लोकस्ट को ब्रीडिंग करने का, यहाँ पर जो है इनके लिए फेवरेबल कंडीशन है, यहाँ पर ब्रीडिंग करते हैं और यहाँ पर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसी बेसिकली इसी एरिया में ये अटैक करते हैं। ये अगर ये देखो, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि क्या ये इसकी जो मतलब ये करीब करीब इंटरनेशनली तो काफ़ी करीब करीब 60 कंट्रीज में तो ये अटैक करते ही हैं, तो क्या यूरोप भी इससे प्रभावित है? नहीं, यूरोप इससे प्रभावित नहीं है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरियाज में ही मेनली अटैक करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें ये जान लेते हैं, ये डिफर करते हैं बाकी जो ऑर्डिनरी ग्रास ऑफर्स है ना, जैसे इस तरह के आपके आसपास जो है टिड्डे पाए जाते होंगे, ये उनसे थोड़े अलग हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। देखिए, इसके बिहेवियर को बोला जाता है ग्रीगेराइज। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ग्रीगेराइजेशन का मतलब होता है ये अकेले तो चलते हैं, ये अकेले जो है किसी फसल पर अटैक करते हैं, लेकिन इनकी एक ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये स्वार्म्स में बदल जाते हैं, मतलब झुंड में बदल जाते हैं। इसीलिए तो इनको लोकस स्वार्म्स कहा जाता है। लोकस का मतलब होता है अकेला टिड्डा, लोकस स्वार्म्स का मतलब होता है ये टिड्डों का झुंड। तो अब ये क्या करते हैं, ये काफ़ी बड़ी संख्या में जो है दूसरे दूसरे एरिया में माइग्रेट करते हैं, और उन जगहों पर जहाँ जहाँ पर इनकी फेवरेबल कंडीशन है वहाँ पर ये अटैक करते हैं। लोकस्ट जो है जनरली हमारे देश में देखे जाते हैं जून और जुलाई के मंथ में, और ये जो इंसेक्ट्स हैं ये एक्टिव हो जाते हैं समर टू रेनी सीजन्स में। समर टू रेनी सीजन्स का मतलब क्या है, जैसे जैसे समर आ जाता है, गर्मी आ जाती है, उसके बाद रेनी सीजन आ जाता है, उसके बाद ये एक्टिव हो जाते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में फसलों को तबाह करते हैं। सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, आपको जानने की बहुत ज़रूरत है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये अटैक नहीं करते हैं कभी भी एनिमल्स पे, अटैक नहीं करते हैं ह्यूमंस पे, कभी अटैक नहीं करते हैं। ये हमारी क्रॉप्स को और जो जितनी बाकी जो ग्रीनरी है उसके ऊपर जो है अटैक करते हैं। यहाँ पर इस फोटो में आप देख रहे हैं कि ये पर्सन जो है ये थाली बजा करके इनको क्या कर रहा है, ये लोकस की जो दिशा है उसको परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है, इनको भगाने की कोशिश कर रहा है। लोकस जो है इतनी, ये लोकस स्वार्म्स का जो है एक, ये इस फोटो में आपको एग्जांपल दिया गया है, दूसरी फोटो में इतनी बड़ी संख्या में जो है ये एक साथ आते हैं। लोकस की जो है कैपेसिटी काफी ज्यादा हाई होती है कि अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके, ठीक है, और अपने ग्रुप्स बना सके। और मैंने आपको बताया था कि इनका बिहेवियर जो है वो इस तरह से चेंज हो जाता है कि अकेले से जो है ये ग्रुप बना लेते हैं और काफी बड़ी संख्या में जो है ये अटैक करते हैं। और ये एक दिन में करीब करीब 150 किलोमीटर पर डे जो है डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। अगर इनको जो है गुड रेन मिलती है और इकोलॉजिकल कंडीशन इनके फेवरेबल हो जाती है, तो ये अपनी संख्या को काफ़ी बड़ी संख्या में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और काफ़ी करीब करीब 20 फोल्ड जो है 20 गुना तक अपने आप को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोकस्ट हैं इस जगह पर जिन्होंने अटैक किया है इन ग्रीनरीज पर, ठीक है। टाइप्स ऑफ लोकस्ट की बात अगर हम करें,
चार तरह की जो है ये स्पीसीज होती हैं लोकस्ट की जो भारत में पाई जाती हैं। पहले है डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट एंड ट्री लोकस्ट। देखिए इस तरह की ये फोटोज हैं, डेजर्ट लोकर लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट एंड ट्री लोकस्ट। आप ये फोटोज देख सकते हैं। ये न्यूज़ में क्यों है ये जान लेते हैं। देखिए ये न्यूज़पेपर में ये था कि मध्य प्रदेश में जो क्रॉप्स हैं उन पर अटैक किया है स्वॉम्प्स ने, और ये पहला ऐसा इन्वेजन है जो 1992 और 1993 के बाद जो है ये हुआ है। फार्मर्स को पता है हर साल छोटा मोटा तो अटैक होता ही है, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में जो है इन्होंने इस बार अटैक किया है, क्योंकि कोरोना के चलते हमारे यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही हैं। कि फार्मर्स को पता तो है लेकिन वो वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में बाहर निकल नहीं सकते हैं। देखिए इंडिया ने, ये अगली न्यूज़ है, इसमें जो है 23 मई की न्यूज़ है, ये 23 मई 2020 की। इसमें इंडिया ने जो है पाकिस्तान को कहा है कि आओ मिल करके इसके खिलाफ फाइट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ये लोकस जो है साउथ वेस्ट एशिया में जो है अपनी इनके लिए फेवरेबल कंडीशन बनती है, उसके बाद ये ईरान आते हैं, ईरान के बाद जो है पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान के बाद जो है भारत के बॉर्डर्स में जो है ये एंटर करते हैं। तो भारत ने पाकिस्तान को बोला है मिल करके लड़े, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान अब मानेगा नहीं मानेगा। और इसके बाद की अगली न्यूज़ जो है वो हम डिस्कस करते हैं, ये करीब 26 मई की ये न्यूज़ है। देखिए लोकस ने अटैक किया है राजस्थान के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स पे। देखिए राजस्थान का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से लगता है, तो वहाँ से जो है ये बाकी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट जैसे कि MP है, UP है, यहाँ पर इन्होंने अटैक किया है। हम ये देखते हैं कि वो लोकस अटैक हुआ है भारत में डिकेड्स के बाद। मैंने आपको बताया करीब 27 सालों के बाद हुआ है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, राजस्थान में। और पहले ना ये जो लोकस थे ये सिर्फ और सिर्फ जो है रूरल एरियाज़ में ही अटैक करते थे क्योंकि वहाँ पे फसलें हुआ करती थी। अब जो है इन्होंने अर्बन एरियाज़ में भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगर लोकस हमारी वेजिटेशन को किस तरह से जो है थ्रेट पहुँचाते हैं और हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए कैसे खतरा है इस बारे में जानते हैं। देखिए ये जो स्वाम है, मैं अकेले लोकस की बात नहीं कर रहा, ये स्वाम का मतलब होता है झुंड। ये जो लोकस का झुंड है वो डिस्ट्रॉय कर देता है लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट को, सीड्स को, बार्क को, जो उनके पेड़ों का छाल होते हैं उनको भी ये तबाह कर देते हैं। और ग्रोविंग पॉइंट्स जहाँ पर फूड जो हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं जहाँ ग्रो करते हैं उन पॉइंट्स को भी ये ख़त्म कर देते हैं। ये हमारे प्लांट को अपने, ये जो प्लांट्स हैं उनको अपने वेट की मदद से जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसको इस तरह से समझते हैं, देखिए अकेले लोकस्ट का जो है उतना वेट नहीं होता, लेकिन जब ये झुंड में आते हैं तो किसी भी प्लांट पे जो है लाखों की संख्या में जो है एक साथ आ जाते हैं और उसके बाद उनका वेट बढ़ जाता है जिससे कि हमारे जो प्लांट है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये। ठीक है, डेजर्ट लोकस्ट जो है वो हमारे देश में फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ध्यान रखिएगा। डेजर्ट लोकस्ट जो ये है, जो मेन क्रॉप डिस्ट्रॉय की जाती है लोकस्ट के द्वारा वो कैस्टर है, क्यूमिन है, जटोरफा है, कॉटन है, पटेटो है और फोटर ग्रास है, जो ये घासों को भी ये पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। जो टिपिकल लोकस्ट स्वाम है, ध्यान रखिएगा मैं अकेले लोकस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं स्वाम की बात कर रहा हूँ, पूरे झुंड की बात कर रहा हूँ। ये जो है ये लेस देन 1 स्क्वायर किलोमीटर तक भी में भी जो है ये अपना आक्रमण करते हैं और सर्वर हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर को भी ये कवर करते हैं। इसको हम इस तरह से समझते हैं, देखिए ये इनका जो ये झुंड है ये लेस देन 1 स्क्वायर किलोमीटर में भी अपना जो है आक्रमण करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इनके अगर संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये काफ़ी बड़े संख्या में सर्वर हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स में भी जो है ये अटैक करते हैं और जो फार्म लैंड्स हैं उनको तबाह कर देते हैं। लोकस्ट किस तरह हमारी वेजिटेशन और फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा हो सकते हैं उसको हम इस तरह से भी समझते हैं। देखिए जो 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो स्वार्म का लोकस्ट स्वार्म होता है, मतलब जो लोकस्ट का जो झुंड होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में, उसमें करीब करीब 40 मिलियन लोकस्ट शामिल होते हैं, मतलब 4 करोड़ जो है लोकस्ट शामिल होते हैं। तो ये एक दिन में इतना फूड खा सकते हैं जितना फूड 35,000 लोगों के लिए जो है पर्याप्त होता है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं यदि वो अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर में ये स्वार्म इतना जो है फूड खा सकता है, तो जब यदि हजारों स्क्वायर किलोमीटर में फैलेगा तो ये कितना बड़ा जो है डिवास्टेशन करेगा। और एज्यूम कर सकते हो कि हर जो लोकस्ट है वो इंडिविजुअली 2.3 ग्राम फूड जो है पर डे खाता है। ये डाटा जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। इससे जो है हमारी क्रॉप्स का और फूड सिक्योरिटी का जो है खतरा हमारे देश में बन जाता है। एट प्रेजेंट जो कंट्रीज हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की, जैसे कि इथोपिया और सोमालिया जिसमें शामिल हैं, वहाँ पर बीते 25 सालों में इतना वॉस अटैक नहीं देखा गया है जितना अब देखने को मिल रहा है। ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए यहाँ पे आप मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अफ्रीका के जो ईस्टर्न साइड में जो है ये 4 कंट्रीज जो हैं वो शामिल हैं। इसमें जो है पहली है सोमालिया, दूसरी है इथोपिया, तीसरी है इरिट्रिया और चौथी है जबूती। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं सीड के नाम से।
सीड में एस आ गया सोमालिया, ई से आ गया इथोपिया, इरिट्रिया और द जिबूती। तो ये जो चार कंट्रीज हैं इनमें से दो कंट्रीज सोमालिया और इथोपिया, यहाँ पर सबसे बड़ा अटैक देखा गया है। मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं लोकस्ट के वो जान लेते हैं, एरिया और साइज के बारे में जानते हैं। देखिए एक स्क्वायर किलोमीटर में जो लोकस्ट का स्वार्म है वो 40 मिलियन लोकस्ट उसमें शामिल होते हैं। हम इस बारे में बात कर चुके हैं, 4 करोड़ लोकस्ट, तो वो काफ़ी बड़े एरिया को डिवास्ट कर सकते हैं। सुटेबल क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल कंडीशन है इनके लिए सुटेबल होती है, हॉट और वेट क्लाइमेट जो है इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है इनके ब्रीडिंग के लिए। ये जो ब्रीड करते हैं बहुत फास्ट करते हैं, रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं और इंक्रीज करते हैं, करीब करीब 20 टाइम से लेकर मतलब 20 गुना से लेकर 16,000 गुना तक जो है ये अपने आप को रैपिडली इंक्रीज कर सकते हैं। ये डेटा मैंने जो है डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट से लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये माइग्रेट कर सकते हैं काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस, 150 किलोमीटर पर डे की जो है ये यात्रा कर सकते हैं, जर्नी पूरी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इनके पंख जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, ये कितना खा सकते हैं, करीब 2.3 ग्राम फूड पर डे ये खा सकते हैं या इक्वल टू देयर वेट जो है ये खा सकते हैं। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं हमारे सामने जब हम लोकस को कंटेन करने की बात करते हैं। देखिए पहली बात तो ये है ये एरिया बहुत बड़ा कवर करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक स्क्वायर किलोमीटर में ही 4 करोड़ लोकस्ट हैं तो ये जो है इनका एरिया बहुत बड़ा होता है और इतना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है हम उसको जो है पूरी तरह से मतलब जो है टैकल कर पाए। ये ज्यादातर जो है ये रिमोट एरियाज में अटैक करते हैं, रिमोट एरियाज हो गए हमारे, बॉर्डर एरियाज हो गए, अब तो जो है कुछ इंसिडेंट्स अर्बन एरियाज में भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और वहीं पर जो है ये रिमोट एरिया में अटैक करते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन उतनी होती नहीं है, ये फसलों को खाते हैं और वहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं और उसके बाद जो है ये आगे अटैक करते हैं। तीसरा, हमारे पास जो है रिसोर्स और ट्रेन स्टाफ की बहुत कमी है जिसकी वजह से जो है हम उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में कंट्रीज के बीच में। जस्ट सपोज देखिए, जैसे पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश है, पहले ईरान की अगर मैं बात करूँ, देखिए ईरान से जो है वहाँ पर अगर ब्रीडिंग हुई, ईरान से जो है पाकिस्तान चले, पाकिस्तान से जो है ये इंडिया आए। अब अगर ये तीनों कंट्रीज में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं, अगर इसको यहीं पे ईरान में ही खत्म कर दिया जाता तो ये आगे भी नहीं बढ़ते। इंडिया ने पाकिस्तान को भी कहा है कि आओ मिलकर काम करते हैं, देखते हैं पाकिस्तान कितनी जो है मतलब सपोर्ट हासिल करता है। अनसर्टेनिटी है रेनफॉल की, देखिए रेनफॉल कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, और अगर वहां पे गर्मी हो और रेनफॉल ज्यादा हो तो ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है लोकस्ट का। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो गया, इंडियन ओशन डायपोल हो गया, एल नीनो की जो घटनाएं हो गई, ये सभी की सभी जो घटनाएं हैं वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से जो है जुड़ी हुई हैं, तो इनकी वजह से भी जो है इनको रोकना मुश्किल हो रहा है। तो कैसे टैकल कर सकते हैं लोकल अटैक को और कंट्रोल मेजर्स क्या क्या अपनाए जा सकते हैं। देखिए ये जो चैन है उसको ब्रोक किया जा सकता है वहीं पर जहां पर इसकी ब्रीडिंग हो रही हो, वहीं पर उनको मार दिया जाए। जस्ट सपोज ये जो है ईरान में अगर मान लो इनकी ब्रीडिंग होती है, उसके बाद जो है ये पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान के बाद जो है ये इंडिया आते हैं। यदि ईरान में इनको खत्म कर दिया जाएगा तो ये आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तो बिफोर माइग्रेशन ही जो है इनको खत्म कर दिया जा सकता है। फार्मर्स जो है कोशिश करते हैं कि उनको जो है लोकस्ट को भगा दे, लाइटिंग मतलब जो है आग जलाने के साथ साथ जो है वो कोशिश करते हैं इनको भगा दे। देखिए जहां जहां लोकस्ट जो है वो ब्रीडिंग करते हैं वहां पर गड्ढे खोदे जा सकते हैं, जिस जगह वो ब्रीडिंग करते हैं उनको जो है उसमें मिट्टी डाल करके भी इनको खत्म किया जा सकता है। लाउड स्पीकर और डीजे जो है हाई वॉल्यूम में बजा करके भी जो है उनके रुक को मोड़ा जा सकता है, कहीं और भगाया जा सकता है, लेकिन ये जो है सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जो क्रॉप्स जो है उनके ऊपर जो है हाई इंटेंसिटी का मेलाथन इंसेक्टिसाइड जो है वो स्प्रे किया जाता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये मेलाथन जो इंसेक्टिसाइड है इसको लोकस्ट को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसको एयरप्लेन से एयरप्लेन से व्हीकल से और ड्रोन से भी जो है बात की जा रही है इसको स्प्रे करने की। ठीक है, साइंटिस्ट भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से इस चीज को रोकें या उनको डिस्पर्स कर दें ताकि वो इतनी बड़ी संख्या में एक ही जगह पर अटैक ना कर पाए। अगर मैं इंडिया की स्नैरियो की बात करूं तो जो लोकस्ट है हमारे देश में जो है जुलाई से अक्टूबर के बीच में देखे जाते हैं और ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है मेनली देखे जाते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ, पार्ट ऑफ राजस्थान और नॉर्दर्न गुजरात के जो इलाके हैं वहां पर जो ये जो झुंड है लोकस्ट का, वहां पर इन्होंने जो है राबी क्रॉप्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। जो एग्जिस्टिंग सीरीज जो भारत में अभी आई है लोकस्ट की, वो जो है वो ओरिजिनेट हुई थी ईरान में और फिर पाकिस्तान से इंडिया में आई है, मैंने आपको भी बताया था वही सारी चीज़ें।
मूवमेंट है लोकस्ट की, वो आसान कब बनती है? देखिए, जब जब जो है समर डस्टी विंड्स चल रही होती हैं, ठीक है, ये जो है अरेबियन सी में जो है चालू होती हैं, और उसके बाद जो है यहाँ मतलब ईरान से जो है, जब ईरान में थोड़ी ब्रीडिंग होती है, उसके बाद जो है ये पाकिस्तान में सिंध में आते हैं, सिंध से जो है ये वेस्टर्न राजस्थान में आते हैं। ध्यान रखिएगा, ब्रीडिंग वहाँ हुई, यहाँ पर आकर के भी अगर उन्होंने ब्रीडिंग करी, अपने आप को बहुत जल्दी जो है डबल कर लिया, जो है 24 तक अपने आप को बढ़ा लेते हैं, उसके बाद जो है ये बाकी जगहों पर अटैक करते हैं। लास्ट मेजर अटैक जो है राजस्थान में देखा गया था 1993 में, और अब 27 सालों के बाद ये इतना बड़ा अटैक देखा जा रहा है। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर में आती है, ये रिस्पॉन्सिबल है मॉनिटर करने के लिए, सर्वे करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, जो डेजर्ट लोकस्ट हैं उनको मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, सर्वे करना, शेड्यूल्ड डेजर्ट एरियाज में, ये शेड्यूल्ड डेजर्ट एरियाज कहाँ कहाँ पर हैं, राजस्थान और गुजरात के स्टेट्स में जो है ये हैं, यहाँ पर जो है ये कंट्रोल करते हैं। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है और फील्ड हेडक्वार्टर जोधपुर में है, क्योंकि राजस्थान में मेनली अटैक होता है इसलिए वहाँ पर जो है इसका फील्ड हेडक्वार्टर है। 10 सर्कल ऑफिस हैं, बारमर, जैसलमेर, बीकानेर, इस तरह के जो है 10 सर्कल ऑफिस भी बनाए गए हैं। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी हिस्टोरिकल बातें जानते हैं। इंडिया में जो है लोकस्ट कंट्रोल एंड रिसर्च जो है ये एक ऐसी संस्था थी जिसका काम था कंट्रोल करना डेजर्ट, जो डेजर्ट लोकस्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए लोकस्ट कंट्रोल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक बनाई गई थी। ये इंप्लीमेंट की जाती थी लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1939 में और उसके बाद उसको मिला दिया गया 1946 में डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, जब ये मिला दी गई डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज के अंदर, उसके बाद जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, फार्मर वेलफेयर के अंदर जो है मतलब ये अब इसके अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर, और यही जो है रिस्पॉन्सिबल है मॉनिटर करना, सर्वे करना, जिस बारे में हमने अभी बात की थी। देखिए, जब हमारे यहाँ पर एग्जॉटिक लोकस्ट जो स्वॉम्स का अटैक होता है, एग्जॉटिक इसलिए क्योंकि ये भारत में नहीं पाई जाती प्रजाति, जो है डेजर्ट लोकस्ट है, जब इनका बाहर अटैक होता है तो यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन है LWO, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कंट्रोल ऑपरेशन चलाती है। और ये अपने आप को अपडेट कैसे रखती है, क्योंकि जो मंथली डेजर्ट लोकस्ट बुलेटिन जो निकाला जाता है FAO के द्वारा नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल का, वहाँ से ये अपने आप को अपडेट करती है और बाकी स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करती है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉनिटर करना, वार्निंग देना, कंट्रोल करना लोकस्ट का, जो शेड्यूल डेजर्ट एरियाज है वहाँ पर, और साथ साथ में इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है, कमिटमेंट भी है, जो FAO को जो है हमने कर रखे हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को, रिसर्च करना लोकस्ट और ग्रास ऑफर्स के ऊपर, देखिए तालमेल बढ़ाना, कोऑर्डिनेशन करना नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऐसा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना जिससे कि हम लोकस्ट के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ सकें और जीत सकें, और मेंटेन करना, और मतलब जो है ये मेंटेन करना कंट्रोल पोटेंशियल की, हम कितने बड़े लोकस्ट अटैक को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरह से इसका ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंटरनेशनल स्नैरियो की बात करते हैं। देखिए, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत काम करती है, उन्होंने 3 हॉटस्पॉट्स की पहचान करी है। 3 हॉटस्पॉट्स वो है जो कि लोकस्ट एक्टिविटीज जहां पर ज्यादा देखी गई है, जहां पर थ्रेट ज्यादा है, इस जगहों पर जो है एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशंस हैं। पहली है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की, जिस बारे में हमने पहले देखा था, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की 4 कंट्रीज है, मैंने आपको बताया था सीड के, उस पर आप याद रख सकते हो, ठीक है। 4 कंट्रीज हैं अफ्रीका के जो है ईस्टर्न साइड में, एक हॉर्न बनाती है, पहली है हमने बताया था सोमालिया, दूसरी है इथोपिया, तीसरी है इरिट्रिया, चौथी है जबूती, ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो दूसरी है रेड सी का एरिया। देखिए, रेड सी का एरिया कौन सा आता है, अगर आप यहाँ देखें, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर ये अफ्रीका है, अफ्रीका में हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पर आ जाता है, इसके साथ ही जो है रेड सी का एरिया है जहाँ पर वेस्ट एशिया बिल्कुल पास आता है, ठीक है। इन जगहों पर जो है एक दूसरा जो है ये हो गया, तीसरा हो गया साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया बोले तो ये वाला जो ये हमारा मैंने आपको 3 एरिया बताए हैं, पहली बात तो ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दूसरा वेस्ट एशिया, ये साउथ वेस्ट एशिया, और तीसरा जो है ये रेड सी का एरिया है ना, इसके आसपास के क्षेत्र जितने भी हैं वो, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं अगला, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहाँ पर ये वोस्ट अफेक्टेड रीजन है, और यहाँ पर जो है फूड सिक्योरिटी लाइवलीहुड्स का बहुत बड़ा मतलब खतरा पैदा हुआ है। देखिए, जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो, और काफ़ी लोग जो है इससे जुड़े भी तो हुए हैं, अगर जो जो किसान इनसे जुड़े हुए हैं उनकी उनकी फसल ही खराब हो जाए तो उनकी लाइवलीहुड भी तो नुकसान हो जाता है, उनका बहुत खतरा पैदा हो जाता है। लोकस्ट स्वॉम्स जो है वो मतलब जो है इथोपिया और सोमालिया बोले तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से जो है ये ट्रैवल करते हैं साउथ टू केनिया और फिर बाकी 14
इन अदर कंट्री कॉन्टिनेंट में। मैं आपको ना यहाँ पर इस चार्ट की तरह से समझाना चाहूँगा। देखिए जब आप यहाँ पर ना एक ये पुराना चार्ट है 2018-19 का, वन नंबर पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है कि एक साइक्लोन आया मेकांतु मई में, और फिर साइक्लोन एक और आता है उसके बाद जो है यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन बनती है, यहाँ पर जो है थोड़ी गर्मी होती है और वहाँ पर बरसात होती है, फिर वहाँ पर ब्रीडिंग कंडीशन बन जाती हैं इस पूरे एरिया में। मैं आपको यमन और यहाँ की बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब इन जगहों पर क्या हुआ कि जब कंडीशंस बन गई और यहाँ पर इन्होंने ब्रीडिंग करी लोकस्ट ने, फिर उसके बाद जो है यमन में तो काफ़ी लंबे समय से क्या चल रहा है, एक सिविल वॉर चल रहा है, वहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ नहीं हो पाई, और उसके बाद जो है ये यहाँ से जो है ये यहाँ पर केनिया में भी गया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका को जो है इसने नुकसान पहुँचाया। केनिया में जाने के साथ साथ जो है इसने अफ्रीका की 14 कंट्री बाकी जो है उनको भी नुकसान पहुँचाया। फिर उसके बाद जो है सेकेंड, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर पहली बार में तो जो है इसकी कंडीशंस बन गई इन जगहों पर, सेकंड वाले में जो है ये आप ईरान और पाकिस्तान की बॉर्डर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि लोकस जो है स्वाम्स उन्होंने क्रॉस कर दी पर्शियन गल्फ और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी हैवी क्रॉप लॉस किया। दिन में खाना खाते हैं, रात को सोते हैं और उसके बाद ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग करने के बाद जो उनकी संख्या ज़्यादा हुई, फिर उसके बाद पाकिस्तान से जो है ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुँचे, ठीक है। और इस तरह से जो है आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो रेड सी एरिया है, लोकल लोकस जो है वो सऊदी अरेबिया, ओमान और यमन में अटैक करते हैं, और साउथ वेस्ट एशिया में जो है लोकस ने अटैक करा था ईरान, इंडिया और पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान और सोमालिया ने रिसेंटली जो है लोकस एमरजेंसी जो है घोषित की थी। अच्छा, मैंने एक बार इंटरनेशनली ये चेक किया कि कितनी कंट्रीज इससे जो है प्रभावित हैं, तो करीब करीब जो है इससे कंट्रीज जो है 60 कंट्रीज प्रभावित हैं और 29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया प्रभावित है, जो कि 20% है टोटल लैंड सर्फेस ऑफ द वर्ल्ड का, ठीक है। तो आई होप आज की डिस्कशन हमारी फ्रूटफुल रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।